मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस में आपका बहुत बड़ा रोल है नॉट जस्ट इन नोट्स मेरे क्लास नोट्स ही मेरी मेन गाइडेंस थी बट उसके अलावा भी आप एंड अमन सर बोथ वर सो मोटिवेटिंग थ्रू आउट आप लोग आ, मुझे मुझे नहीं मतलब सारे एस्पेरेंट्स को जब पढ़ा रहे होते थे तो आप अपना हमेशा कोर्स से स्टार्ट करते हो अच्छा। अपना क्लास uh, <laughs> तो उससे इतनी मोटिवेशन रहती है इतनी इंस्पिरेशन रहती है कि नहीं हो जाएगा हम कर सकते हैं <laughs> तो इवन ऑन डेज जब मैं लो फील करती थी मुझे हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग रहती थी good, और ये भी लेने के ऊपर है कि जैसे share, example, बच्चे के ऊपर है उसको कितना सीरियसली लेता है अगर उसको वैल्यू कर रहा है तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा हेलो दिस इज आशीष कुमार स्पीकिंग ऑन द बी ट्रस्ट अनाउंस

इसका पर्पज़ ये है कि जो लोग जी कर रहे हैं उनको भी ये क्लास करने में दिक्कत ना हो जो जॉब करते हैं उन्हें भी ये क्लासेस करने में दिक्कत ना हो क्लासेस लाइव चलेंगी जूम के ऊपर और यहाँ पर जैसे ही मैं आपको कुछ भी बोलूंगा इंस्टेंटली आप तक ट्रांसफर होगा विदाउट एनी डिले और वहां से आपका अगर कोई डाउट है क्लास चलते टाइम कोई डाउट आता है तो आप टाइप करके यहाँ पर हमको भेज सकते हैं आई एल एबल टू सी द डाउट्स एंड आई आल रिप्लाई टू दैट डाउट देन एंड देर उसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है हर क्लास के बाद अगर कभी भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर एंड देन वी कैन हैव अ चैट ऑन दैट पर्टिकुलर इशू विल हैव रेगुलर जूम सेशंस आल्सो टू गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट हर टॉपिक के बाद जो एक टॉपिक खत्म होगा हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे आप लिख के हमें भेजेंगे उसका डिटेल एनालिसिस करके डिटेल फीडबैक आपको दिया जाएगा ताकि आप आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सके देखिए एक कल्चर है कि सबको लगता है कि पढ़ाई होना हो टेस्ट सीरीज हमें कर लेनी चाहिए मेरा मानना है कि पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखे और सीधा अगर आपको पचास साठ क्वेश्चन दे भी दिए जाए तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका फोकस बिगड़ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बाद आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे आप लिखें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए एक आर्ट है जो डेवलप होगी विद टाइम एंड दैट विल लीड टू एक्चुअल इंप्रूवमेंट एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट खुशबी ओवर वेरी प्राउड शी इज द स्टूडेंट ऑफ आवर फर्स्ट बैच और बहुत ही लिमिटेड टाइम की तैयारी के साथ उन्होंने तैयारी करी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपना ऑप्शन भी चेंज किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने शिफ्ट किया साढ़े तीन महीने की तैयारी के अंदर ही उन्होंने अपने पहले मेन्स को क्रैक किया एंड शी इज द यू कैन से वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल क्लास नोट्स पर ही उन्होंने रिलाई किया था तो क्लास के बाद आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे कुछ पी फॉर्म में दिए जाएंगे कुछ क्लास में भी डिक्टेट किए जाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्शल क्लैरिटी पूरी मिल सके दस अ डेडिकेटेड टेक्निकल टीम ऑल्सो एक पूरी टेक्निकल टीम है जो आपको गाइड करेगी आपके पास कोई दिक्कत आती है कोई पर्टिकुलर पोर्टल uh, खोलने में दिक्कत आती है कोई साउंड में दिक्कत आती है तो आपको वो गाइड करेगी ताकि आपको बिल्कुल वेबसाइट पे जा सकते हैं वहाँ नंबर दिया है आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं इफ़ यू रियली आर इंटरेस्टेड देन डोंट वेस्ट मच टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन लेने के फायदे क्या हैं? यह मैं अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू में इसका बहुत कोरिलेशन है तैयारी करेंगे तो जीएस पेपर टू तैयार हो जाता है क्योंकि जो मेजर पार्ट है वहां पर पॉलिटी और गवर्नेंस दैट विल बी टेकन केयर इजीली बाय योर ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आप यहां पढ़ेंगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हीं चीज़ों को आप ज्यादा एलैबोरेशन में ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं तो पैट तैयारी से जी टू की तैयारी आपकी ऑलमोस्ट आई को अगर मैं छोड़ दूँ सोशल जस्टिस को अगर मैं छोड़ दूँ तो आपकी तैयारी पॉलिटी गवर्नेंस की हो जाती है आई होप यू टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ आर कोर्स इन केस यू ज्वाइन थैंक यू सो मच